हेलो स्टूडेंट्स यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है हम जनरल ज्योग्राफी की घटना चक्र को स्टडी कर रहे थे और इसमें हम सबसे पहले जो इंडियन ज्योग्राफ़ी का पार्ट है उसको कंप्लीट कर रहे हैं और अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया इज़ वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी Hydroelectricity is generated by fast flowing water which is a renewable resource. It is most easier to develop hydroelectricity in mountainous areas. At first hydroelectric plant in India was established in 1897 to 1898. 1897 1898 near a place named Sidrapong in Darjeeling district of West Bengal. नाव इंडिया हैज़ ए नंबर ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स लाइक द भाखड़ा नांगल दामोदर वैली कॉरपोरेशन दोपिली हाइडल प्रोजेक्ट इट इज सी प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स इंडिया के कौन कौन से हैं बनिहाल मोहरा जोगिंदर नगर और भाखाल भाखड़ा नागल भाखड़ा नांगल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ठीक है और टिहरी ठीक है टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और ये है चितेरा भोला एंड पालरा बुलंदशहर बुलंदशहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सुमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट राणा प्रताप सागर ठीक है और कोटा कोटा जवाहर सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट गांधी सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट रहिंद रेहंद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट तवा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ठीक है जलढाखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मैथन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पंचेत हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ठीक है इसके बाद है हीराकुंड, हीराकुंड डैम हीराकुंड हीरा पावर हीरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है श्रीशैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और नेक्स्ट है, मितूर मोयार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ठीक है पेरियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट नेक्स्ट है जोग शिव समुद्रम सरस्वती सिमसा और भीर, भीरा ठीक है भीवपुरी भीवपुरी भीरा और क्या है खाप खापोनी ये सब क्या है श्री शैलम तवा राणा प्रताप सागर ये सभी क्या हैं मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं इंडिया के हीराकुंड कु रह, गांधी सागर डैम ठीक है राणा प्रताप सागर और बुलंदशहर सुमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जलढाका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स ये क्या हैं इंडिया के मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या पढ़ा Hydroelectricity in India is one of the major sources of energy. Hydroelectricity is generated by fast flowing water which is a renewable resource. It is most easier to develop hydroelectricity in mountainous areas. At first hydroelectric plant in India was established in 1897-98 near a place named Sidrapong in Darjeeling. डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल नाउ इंडिया हैज़ ए नंबर ऑफ मल्टीपरपज प्रोजेक्ट्स लाइक द भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट दामोदर वैली कॉरपोरेशन द कोपिली हाइडल प्रोजेक्ट ई टी सी ई टी सी प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इसके बाद नेक्स्ट है हम क्वेश्चन करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है वेयर इज द हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन लोकेटेड इसका आंसर हो जाएगा कोयना द कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट विच इज लोकेटेड ऑन कोयना महाराष्ट्र ठीक है कोयना डैम कोयना डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर कोयना इज रन बाय द महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ठीक है क्वेश्चन नंबर वन में क्या पूछा गया है वेयर इज द हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन लोकेटेड हाइड्रो स्टेशन लोकेटेड इज इन कोयना द कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक द कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट विच इज़ लोकेटेड ऑन कोयना महाराष्ट्र कोयना डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर कोयना इज रन बाय द महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू राणा प्रताप सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन इज सिचुएटेड एट कहाँ पर है राणा प्रताप सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन कोटा राजस्थान में ठीक है Rana Pratap Sagar Hydel Power Station is located in the Ravad Bhata town on the left side of the Rana Pratap Sagar Dam. This place is situated around 50 km away from the city of Kota. Theek hai. Next hai, question number 3 Rana Pratap Sagar Hydroelectricity Project on Chambal River is located in the state of Rajasthan. The Rana Pratap Sagar Dam is gravity. मेसोनरी डैम बिल्ट ऑन द चंबल रिवर एट रावत भाटा इन राजस्थान द राना प्रताप सागर डैम इज ऐ ग्रेविटी मेसोनरी डैम बिल्ट ऑन द चंबल रिवर एट रावत भाटा इन राजस्थान नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर वॉट इज़ द शेयर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इन इंडिया तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंट्रीब्यूशन टू टेन पॉइंट सिक्स परसेंट ऑफ़ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूज ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर जब यह क्वेश्चन पूछा गया था दो हज़ार सोलह सत्रह में उस टाइम पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंट्रीब्यूट करती थी कितना टेन पॉइंट सिक्स परसेंट ऑफ़ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूज ड्यूरिंग टू थाउजेंड सिक्सटीन सेवेंटीन अकॉर्डिंग टू फिगर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन इंडिया एज़ ऑन ट्वेंटी एट फेबरवरी

पॉइंट फाइव टू मेगावाट दैट इज इलेवन पॉइंट एट परसेंट ठीक है अगर पूछा जाए कि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कि व्हाट इज़ द शेयर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन द टोटल तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया तो इसका आंसर हो जाएगा इलेवन पॉइंट एट परसेंट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन इन दिस इज फोर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव मेगावाट दैट इज़ एलेवन और ये डेटा कब का है अकॉर्डिंग टू द फिगर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन इंडिया एज़ ऑन ट्वेंटी एट फेबरवरी ट्वेंटी ट्वेंटी टू वॉज थ्री लाइक थ्री लाख थ्री लाख नाइन्टी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेवन पॉइंट एट सिक्स मेगावाट ठीक है अट्ठाईस फरवरी दो हज़ार बाईस तक जो इंडिया में जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है पावर की वो कितनी है वो है थ्री लैख नाइन्टी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेवन पॉइंट एट सिक्स मेगावाट तो उसमें से जो कंट्रीब्यूशन है कंट्रीब्यूशन है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का वो कितना है एलेवन पॉइंट एट परसेंट है और कैपेसिटी में देखा जाए तो फोर्टी सिक्स थाउजेंड 524.52 मेगावाट का कंट्रीब्यूशन है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है पावर की उसमें ठीक है तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव जवाहर सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल रिवर जवाहर सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट सिचुएटेड ऑन चंबल रिवर इट इज़ रिलेटेड टू चंबल वैली डेवलपमेंट प्लान दिस प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन राजस्थान जवाहर सागर हाइड्रो प्रोजेक्ट इज़ सिचुएटेड ऑन विच रिवर इसका आंसर है चंबल रिवर जवाहर सागर हाइड्रो प्रोजेक्ट सिचुएटेड ऑन चंबल रिवर इट इज़ रिलेटिड टू चंबल वैली डेवलपमेंट प्लान दिस प्रोजेक्ट इज रिलेटेड इन राजस्थान जो जवाहर सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है इज़ रिलेटेड टू चंबल वैली डेवलपमेंट प्लान एंड जवाहर सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन राजस्थान तो यहाँ पर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है वो कंप्लीट होता है अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनर्जी एनर्जी से रिलेटेड जो मिसिलीनियस क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे ठीक है तो अभी का लेक्चर यहीं पर रखते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग